रैली में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने तीन तलाक को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। एसपी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष रियाज अहमद का कहना है कि महिलाओं को अवैध संबंधों के चलते तीन तलाक दिया जाता है। बेहद शर्मनाक बयान रियाज अहमद की तरफ से तीन तलाक को लेकर सामने आया है। रियाज अहमद ने कहा कि जब महिला अवैध संबंध बनाती है तो उसका कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन कत्ल से बचाने के लिए उस महिला को तीन तलाक दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तलाक की समस्या मुस्लिमों की नहीं बल्कि हिंदुओं की है, क्योंकि कोर्ट में तलाक के सबसे ज्यादा केस हिंदुओं के हैं। रियाज अहमद के इस बयान के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। तीन तलाक को लेकर जहां पीड़ित महिलाएं लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और फतवे जारी कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में एसपी नेता का यह बयान सामने आना बेहद शर्मनाक है। तलाक के मामले में मुस्लिम से ज्यादा ये हिंदुओं के मामले हैं। एसपी नेता रियाज अहमद का बेहद शर्मनाक विवादित बयान सामने आया है तीन तलाक को लेकर कि अवैध संबंधों के चलते महिलाओं को तीन तलाक दिया जाता और तीन तलाक से कम वो बच तो जाती हैं। तलाक इसलिए विकल्प के रूप में रखा है कि किसी की जान बचाई जा सके। मैं सपोज आप हैं, इफ यू डोंट माइंड उसको अदरवाइज न लीजिएगा, आप मेरे से प्रेस कर रहे हैं और आप अपने घर वापसी करते हैं, आपकी बीवी जो है किसी गैर मर्द के साथ में खराब हालात में आप देखते हैं, आपके पास दो विकल्प रहते हैं, या तो उसकी आप हत्या कर देंगे या ये तीन तलाक दे के अपना पीछा छुड़ाने का काम कर देंगे। तो जान एट ए टाइम बचाने के लिए फौरी तौर से जो है ये मैटर रखा गया था। तीन तलाक तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अदालतों में मुस्लिम महिलाओं के तलाक के मैटर सिर्फ जो है 3.7% है, हिंदू महिलाओं के तलाक के मैटर 17.6% है। तो नेताजी के इस विवादित बोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सोच के साथ वो यहाँ पर इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहद विवादित बयान यहाँ पर दिया है।